स्वागत है दोस्तों। आज 7 मार्च 2023 मंगलवार का दिन हो गया है। आज के मुख्य समाचार, बड़ी खबरें, देश और दुनिया का ताजा अपडेट लेकर हाजिर हो चुके हैं। देश के अलग अलग राज्यों की ओर से, सरकारों की ओर से महत्वपूर्ण अपडेट आ चुका है। नए नियम, बड़ी घोषणा और बड़ा ऐलान की जानकारियां भी लेंगे। वीडियो को आप पूरा ध्यान से आखिर तक जरूर देखते रहिएगा और हमारी टीम की मेहनत और मोटिवेशन के लिए प्लीज इस वीडियो को आप लाइक और शेयर भी जरूर कर दीजिएगा। तो आइए दोस्तों, बिना टाइम विलंब के शुरुआत करते हैं आज की पहली बड़ी खबर। आज मंगलवार को 2 घंटे 27 मिनट रहेगा होलिका दहन का समय। जी हाँ, देश में होली का त्योहार बड़े ही धूमधाम से मनाया जा रहा है। देश के कई राज्यों में होलिका दहन हो चुका है और कई राज्यों में होलिका दहन आज होगा। मंगलवार को होलिका दहन होगा, इसके समय को लेकर अपडेट आ चुका है। आज होलिका दहन का मुहूर्त शाम 6:24 से लेकर रात 8:51 तक रहेगा और जिन राज्यों में होलिका दहन हो चुका है उन राज्यों में आज कलर की होली खेली जाएगी। आप सभी दोस्तों और मित्रों को हमारी टीम की ओर से होली के इस पावन पर्व पर ढेर सारी शुभकामनाएं और बहुत बहुत बधाइयां। आगे बढ़ते हैं बड़ी खबर। पीएम मोदी ने बढ़ती गर्मी को लेकर हाई लेवल मीटिंग की है और मौसम विभाग को भी विशेष निर्देश जारी किए गए हैं। मौसम विभाग से कहा गया कि आम लोगों को समझ में आने वाले शब्दों में मौसम विभाग जानकारियां दे। पीएम मोदी ने हाई लेवल मीटिंग में कई तरह के निर्देश दिए हैं, यानी कि इस बार तेज गर्मी पड़ने का अंदेशा है और ऐसी किसी भी स्थिति से निपटने के लिए केंद्र के स्तर पर अभी से तैयारियां तेज हो गई हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने सोमवार को गर्मी की बढ़ रही तपिश से निपटने के लिए संबंधित विभागों को अलर्ट कर दिया है। इसके साथ ही आम लोगों और खेती पर पड़ने वाले इसके प्रभाव से बचाने के लिए भी जरूरी तैयारी करने के निर्देश दिए गए हैं। पीएम मोदी ने इस दौरान मौसम विभाग से भी हर दिन मौसम की अपडेट जानकारी मुहैया कराने को कहा है। वहीं रोजगार मेले में पीएम मोदी ने कहा कि युवाओं को कुशल बनाकर तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन सकता है भारत। पीएम मोदी ने सोमवार को गांधीनगर स्थित महात्मा मंदिर सम्मेलन केंद्र में गुजरात सरकार द्वारा आयोजित रोजगार मेले को वर्चुअल रूप से संबोधित किया। इसके अलावा आपको बता दें, भारत और फ्रांस के सैनिक दमखम दिखाने वाले हैं, ताकत दिखाने वाले हैं। 7 और 8 मार्च को संयुक्त सैन्य अभ्यास होने वाला है, यानी दोनों देशों की सेनाओं के द्वारा संयुक्त रूप से किए जा रहे इस सैन्य अभ्यास को फ्रिंजेक्स 23 नाम दिया गया है। भारतीय रक्षा मंत्रालय के मुताबिक फ्रांस की सेना के साथ ये सैन्य अभ्यास 7 और 8 मार्च को केरल में तिरुवनंतपुरम के पेंगोड मिलिट्री स्टेशन में आयोजित किया जाएगा। फ्रिंजेक्स 23 इसका नाम दिया गया है। बड़ी खबर आ रही है, सैनिक और उनके परिवार चीनी मोबाइल फोन का इस्तेमाल न करें, रक्षा खुफिया एजेंसियों ने आगाह किया है। वास्तविक नियंत्रण रेखा यानी LAC पर चीन के साथ चल रहे सैन्य गतिरोध के बीच रक्षा खुफिया एजेंसियों ने एक एडवाइजरी जारी की है, जिसमें कहा गया कि सैनिक चीनी मोबाइल फोन का उपयोग ना करें। सैन्य जासूसी एजेंसियों ने भारत के शत्रु देशों से फोन खरीदने या उपयोग करने से सैनिकों और उनके परिवारों को मना किया है। चीनी मूल के मोबाइल फोनों में मेलवेयर और स्पाईवेयर पाए गए हैं, वायरस पाए गए हैं और फोन की जानकारियां लीक होने का खतरा है, इसलिए इस तरह की एडवाइजरी जारी की गई है। बड़ी खबर आ रही है, दिल्ली शराब नीति मामले में गिरफ्तार पूर्व डिप्टी CM मनीष सिसोदिया को 20 मार्च तक न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। सोमवार को सिसोदिया को CBI की रिमांड खत्म होने पर राउच एवेन्यू कोर्ट लाया गया था और सुनवाई के बाद सिसोदिया को पुलिस सुरक्षा के बीच तिहाड़ जेल ले जाया गया। दुनिया ने भी UPI का लोहा माना है। भारत में 2022 में हर सेकंड UPI के 2348 ट्रांजैक्शन हुए हैं। फरवरी में UPI और सिंगापुर की पे नाउ प्रणाली के समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने UPI को भारत की सबसे पसंदीदा भुगतान प्रणाली बताया और कहा कि यह जल्द ही नकद लेन देन को काफी पीछे छोड़ देगी। जनवरी 2016 में जब UPI को लॉन्च किया गया था तब इसकी व्यापक स्तर पर आलोचना हुई थी, लेकिन आज इसका इस्तेमाल किस तरह से हो रहा है आप सभी के सामने है। आज UPI का लोहा दुनिया मान रही है और भारत में 2022 में हर सेकंड 2348 ट्रांजैक्शन, मतलब UPI किस तरह से इस्तेमाल हो रहा है, लोग ज्यादा से ज्यादा कैशलेस भुगतान प्रणाली को अपना रहे हैं। वहीं बड़ी खबर आ रही है, चर्चा का विषय बना 4 हाथ पैर के साथ जन्मा नवजात। राजस्थान के चुरू से ये बड़ी खबर आई है। पैदा होने के 20 मिनट के बाद इस बच्चे की जान चली गई। महिला की सामान्य डिलीवरी हुई थी, यानी 4 हाथ और 4 पैरों के साथ जन्मा एक नवजात आमजन में चर्चा का विषय बना। बड़ी खबर है, 1 अप्रैल से शुरू हो रहे नए वित्त वर्ष से PPF सुकन्या समृद्धि योजनाओं पर ज्यादा ब्याज मिल सकता है, इस तरह की मीडिया रिपोर्ट्स और खबरें हैं। 31 मार्च 2023 को केंद्र सरकार एक बार फिर छोटी बचत योजनाओं के ब्याज दरों की समीक्षा करेगी और ऐसे में यह माना जा रहा है कि छोटी बचत योजनाओं में निवेश करने वाले निवेशकों को सरकार फिर से बड़ी सौगात दे सकती है। बर्ड फ्लू से जुड़ी अलर्ट करने वाली खबर, रांची में मुर्गे और मुर्गियों को मारने का अभियान शुरू हो गया है। कई इलाकों में अंडों की बिक्री पर भी बैन लग गया है। रांची में बर्ड फ्लू फैलने की पुष्टि के बाद प्रशासन ने मुर्गे, मुर्गियों, बतख और अन्य पक्षियों को मारने का काम सोमवार से शुरू कर दिया है। जेल चौक से 1 किलोमीटर के दायरे में अभियान चलेगा। शहर के कुल 10 किलोमीटर की परिधि में मुर्गे, मुर्गियों, पक्षियों और अंडों की बिक्री पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया गया है। मारे जाने वाले मुर्गे, मुर्गियों के मालिकों को सरकार की तरफ से मुआवजा मिलेगा। उत्तर प्रदेश से जुड़ी खबर, भू उपयोग परिवर्तन में स्टाम्प ड्यूटी समाप्त करने की तैयारी हो रही है। अब मामला कैबिनेट के हाथ है, यानी राजस्व विभाग ने शासन को स्टाम्प ड्यूटी समाप्त करने का प्रस्ताव भेजा है। दिल्ली में प्रदूषण नियंत्रण प्रमाण पत्र न होने पर अब 10,000 रुपए का जुर्माना लगेगा, यानी PUC सर्टिफिकेट अगर गाड़ी का नहीं है तो फिर 10,000
5000 जुर्माने के लिए तैयार हो जाइए। अब राजधानी दिल्ली में वाहनों से होने वाले प्रदूषण पर और शिकंजा कसा जाएगा। नियमों का उल्लंघन करने पर वाहन मालिकों पर 10000 रुपए का जुर्माना या फिर 3 महीने की जेल या दोनों सजाएं हो सकती हैं। गुजरात में ATS की बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है। अरब सागर में पकड़ा 425 करोड़ रुपए का नशीला पदार्थ, 5 को पकड़ा गया। गुजरात ATS ने भारतीय तटरक्षक के साथ एक संयुक्त अभियान में यह बड़ी कार्रवाई की है। एक ईरानी नाव को पकड़ा गया, 425 करोड़ रुपए मूल्य के नशीले पदार्थ पकड़े गए। दिल्ली से जुड़ी खबर है, जून के अंत तक दिल्ली में 8000 मेगावाट तक बिजली की डिमांड पहुंच सकती है और ऐसे में सरकार ने समर एक्शन पर प्लान किया, चर्चा की गई है। दिल्ली सरकार के बिजली विभाग ने संभावना जताई है कि जून के अंत तक या फिर जुलाई की शुरुआत में राजधानी दिल्ली में बिजली की मांग 8000 मेगावाट तक पहुंच सकती है और ऐसे में दिल्ली में निर्बाध विद्युत आपूर्ति हो, इसके लिए विभाग ने तैयारियां शुरू कर दी है। उद्योग शुरू करने के लिए इस राज्य में महिलाओं को बंपर सब्सिडी मिलेगी। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि छत्तीसगढ़ सरकार महिलाओं को हर क्षेत्र में आगे बढ़ने में मदद कर रही है। महिलाओं को छोटे उद्योगों के लिए लोन और सब्सिडी की सुविधा देने की पहल की जाएगी ताकि महिलाएं आर्थिक रूप से सशक्त हो सके। वहीं CM ने महिलाओं को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की अग्रिम बधाई और शुभकामनाएं भी दी है और कहा कि महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए राज्य सरकार ने ऐसी योजनाएं शुरू की हैं जिससे महिलाओं के पास पैसा जाए और उनका आत्मविश्वास बढ़े। राज्य सरकार ने महिला समूह का 13 करोड़ ऋण माफ किया। इसके अलावा ऋण योजना में लोन की लिमिट यानी सीमा बढ़ाकर 4 लाख रुपए कर दिया गया। बड़ी खबर आ रही है, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बड़ी घोषणा की है और कहा कि शुरू होगी CM एकल महिला स्वरोजगार योजना। राजस्थान रोडवेज फिर शुरू करेगी ग्रामीण बस सेवा। 428 बसों से 2700 पंचायतों को जोड़ा जाएगा। छत्तीसगढ़ में बजट 2023 पेश हो गया। बेरोजगारों को 2500 रुपए भत्ता मिलेगा। महिलाओं और किसान भाइयों के लिए भी बड़े ऐलान हुए हैं। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने सोमवार को रायपुर में विधानसभा में 2023-24 का बजट पेश किया। अब छत्तीसगढ़ में बेरोजगार युवाओं को 2500 रुपए महीने बेरोजगारी भत्ता मिलेगा। मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना के तहत दी जाने वाली सहायता राशि को 25000 से बढ़ाकर 50000 किया जाएगा। शिक्षित बेरोजगारों को बेरोजगारी भत्ता देने की नवीन योजना शुरू होगी। वहीं निराश्रितों, बुजुर्गों, दिव्यांगों, विधवा और परित्यक्ता महिलाओं को सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के अंतर्गत दी जाने वाली मासिक पेंशन की राशि 350 रुपए से बढ़ाकर 500 रुपए प्रतिमाह की जाएगी। इसके अलावा आंगनबाड़ी केंद्रों में काम करने वाले आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को दी जाने वाली मासिक मानदेय की राशि भी 6500 रुपए हर महीने से बढ़ाकर 10000 रुपए हर महीने की जाएगी। आंगनबाड़ी सहायिकाओं का मानदेय 3250 रुपए से बढ़ाकर 5000 रुपए प्रति महीने किया जाएगा और मिनी आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं का जो मानदेय है वो 4500 रुपए से बढ़ाकर 7500 रुपए हर महीने किया जाएगा। और भी कई बड़े ऐलान किए गए हैं। जम्मू और श्रीनगर के शहरों में जियो ट्रू 5G की शुरुआत हो गई है। LG ने कहा कि अब बड़े बदलाव आएंगे। सरकारी कर्मचारियों से जुड़ा महत्वपूर्ण अपडेट आया, होली तो आ गई लेकिन कब होगी डियरनेस अलाउंस यानी DA की घोषणा। नया अपडेट आया, महंगाई भत्ते के साथ ही सरकारी कर्मचारियों की तनख्वाह भी बढ़ जाती है लेकिन इस बार अभी तक इसकी घोषणा नहीं हुई है क्योंकि दोस्तों बुधवार को केंद्रीय कैबिनेट की बैठक हुई और इस सप्ताह हुई बैठक में कोई भी फैसला नहीं लिया गया। वैसे आपको बता दें फिलहाल इस विषय पर कोई भी विशेष अपडेट नहीं आ पा रहा है। वह दोस्तों अपडेट खबर मध्य प्रदेश को लेकर, शिवराज सिंह चौहान ने बड़ी घोषणा की है, लोक उत्सव भगोरिया अब राजकीय पर्व होगा, सांस्कृतिक धरोहर के रूप में स्थापित करेंगे। बर्फबारी से कैलिफोर्निया के हाल बेहाल चल रहे हैं, इमरजेंसी घोषित कर दी गई है, 12 इंच मोटी बर्फ की परत जम गई। हालत यह है कि कैलिफोर्निया की सरकार और प्रशासन ने लोगों को घरों से बाहर निकलने पर भी पाबंदी लगाई हुई है और कहा कि गाड़ियां लेकर सड़कों पर न आए। भारत की डिजिटल क्रांति को पंख मिले हैं, पिछले एक साल के आंकड़े देख RBI खुद हैरान है। जिस तरह की खबरें हमने आपको शुरू में बताई, UPI पेमेंट को लेकर दुनिया फैन हो गई है। पंजाब में MD और MBBS के छात्रों को सरकारी नौकरी करना अनिवार्य होगा, विधानसभा में स्वास्थ्य मंत्री जी ने इस तरह की जानकारी दी है। वह दोस्तों एक चौंकाने वाली और सबक देने वाली खबर है, हर नालायक औलाद के लिए बड़ा संदेश है, इस तरह की बात कहते हुए 80 साल के बुजुर्ग ने करोड़ों रुपए की जमीन UP गवर्नर के नाम कर दी है। UP के मुजफ्फरनगर में अपने बेटे से आहत होकर बुजुर्ग ने बड़ा कदम उठा लिया। बुजुर्ग ने बेटे को संपत्ति से बेदखल करते हुए सारी संपत्ति राज्यपाल के नाम कर दी है। पत्नी की 20 साल पहले बीमारी के चलते मौत हो गई। नत्थू सिंह अपने हाथों से 2 बेटों और 4 बेटियों का विवाह कर चुके हैं। एक बेटे की मृत्यु हो चुकी है जबकि दूसरा बेटा सरकारी शिक्षक है। लेकिन पिछले 5 महीने से नत्थू सिंह वृद्धाश्रम में रहने को मजबूर है। उन्होंने कहा कि वे अपने हाथों से खुद रोटी बनाते हैं और खाते हैं। उन्होंने कहा कि अपनी करोड़ों रुपए की लगभग 18 बीघा जमीन की वसीयत प्रदेश के राज्यपाल के नाम कर दी है और अपने बेटे को अपनी संपत्ति से बेदखल भी कर चुके हैं, यानी समाज के सामने ये नजीर पेश हुई है। उन्होंने संपत्ति से बेटे को बेदखल कर आदर्श प्रस्तुत किया है ताकि दूसरों की कोई नालायक औलाद इस बात को समझ ले और प्रेरणा ले कि उनके साथ भी ऐसा हो सकता है। उन्होंने बेटे बहू पर भी गंभीर आरोप लगाए हैं लेकिन बुढ़ापे में किस तरह से उन्हें सजा मिल रही है और उनका दिल दुखा है और इसीलिए उन्होंने ये बड़ा कदम उठाया। हर माता पिता के लिए अपनी औलाद कितनी प्यारी होती है लेकिन जब इस तरह के फैसले लेते हैं तो उनका दिल पर क्या बीती होगी, ये इन बुजुर्ग से हम समझ पा रहे हैं। जिन माता पिता ने हमें पाल पोस कर इतना बड़ा किया और जब उनका सहारा बनने का समय आया तो किस तरह से बेटे हरकतें करते हैं, काफी दिल दुखाने वाली बात है। और जो इन्होंने कदम उठाया वो हमारे
हमारे हिसाब से तो काफी सही है। अगर आप भी हमारी इस बात से सहमत हो तो एक कमेंट और एक लाइक का बटन करके जरूर सपोर्ट कीजिए। चलिए आगे बढ़ते दोस्तों, बड़ी खबर। ब्रिटेन में मिला 4000 साल पुराना मंदिर, बेशकीमती चीजों से खोजकर्ता हैरान रह गए। माना जा रहा है कि यह मंदिर 4000 साल पुराना है। सीढ़ियां है, दीवारों पर कई चित्र भी बने हुए हैं। इसके अलावा 5 कांस्य युग के दबे हुए कलश भी मिले हैं। पश्चिम बंगाल में सरकार ने बड़ा फैसला लिया, अगले 2 साल तक कृषि उत्पाद पर टैक्स नहीं लिया जाएगा। पश्चिम बंगाल सरकार ने किसानों से अगले 2 वित्त वर्ष तक किसी भी कृषि उत्पाद पर आयकर नहीं लेने का निर्णय लिया है। इस तरह की जानकारी सोमवार को वित्त मंत्री चंद्रिमा भट्टाचार्य जी ने दी है। INS विक्रांत पर नौसेना की बैठक में बोले राजनाथ सिंह, देश की अर्थव्यवस्था को बदल देगा रक्षा क्षेत्र। अरब सागर में देश के पहले स्वदेशी विमान वाहक पोत INS विक्रांत पर सोमवार को भारतीय नौसेना के द्विवार्षिक कमांडर सम्मेलन को संबोधित करते हुए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि उत्तरी और पश्चिमी सीमाओं के साथ ही समुद्री सीमाओं को कड़ी निगरानी बनाए रखना आवश्यक है। यानी हिंद महासागर क्षेत्र में चीन की बढ़ती आक्रामकता के बीच राजनाथ सिंह ने यह बड़ी बात कही है। अब वाहन मालिकों की खैर नहीं, भारतीय मानक ब्यूरो ने सार्वजनिक सुरक्षा को लेकर नई गाइडलाइन जारी की है। आज के समय में सही से गाड़ी ना चलाने या गलत चीजों की पैकेजिंग कर उसकी डिलीवरी करने के चलते लाखों लोगों की जाने भी जा रही है और इसे रोकने के लेकर सरकार अक्सर जागरूकता अभियान भी चलाती नजर आती है। अब BIS ने यानी भारतीय मानक ब्यूरो ने सार्वजनिक सुरक्षा, संपत्ति एवं पर्यावरण के लिए खतरनाक एवं नुकसानदेह उत्पादों के परिवहन के दौरान सुरक्षा बढ़ाने के लिए नए दिशा निर्देश जारी किए हैं। महाराष्ट्र को लेकर बड़ी खबर। मुंबई और नागपुर में ED की बड़ी कार्रवाई, 15 जगहों पर छापेमारी हुई, करोड़ों गहने और नकदी बरामद हुए हैं। उत्तर प्रदेश के कई शहरों में महिला आश्रय बनेंगे और बाल संरक्षण गृह भी। पहले चरण में 13 जिलों में काम शुरू होगा। यानी कोरोना काल के बाद प्रदेश में निराश्रित महिलाओं और अनाथ बच्चों की संख्या में हुई बढ़ोतरी को देखते हुए सरकार ने संरक्षण गृहों की संख्या भी बढ़ाने का फैसला लिया। 22,000 होम बायर्स का इंतजार खत्म होगा, NCLT का फैसला आएगा। 1 साल से ग्राहक इंतजार कर रहे हैं। JP इंफ्राटेक के मामले में मंगलवार को NCLT का फैसला आ सकता है, इस तरह की मीडिया रिपोर्ट्स और खबरें हैं। यूपी के गांव में दौड़ेगी मोबाइल मेडिकल यूनिट, योगी सरकार ने यह बड़ा फैसला लिया है। अब गांव में मोबाइल मेडिकल यूनिट दौड़ेगी और इससे गांव में भी आमजन को तुरंत इलाज मिलेगा। घर बैठे गंभीर रोगियों को चिन्हित कर इलाज किया जाएगा। वही एक और खबर आ रही है, योगी सरकार एक बड़ा फैसला लेने जा रही है, इनकी बढ़ाई जा सकती है रिटायरमेंट की उम्र सीमा। प्रदेश के यूनिवर्सिटी और कॉलेजों में शिक्षकों की रिटायरमेंट उम्र बढ़ाई जा सकती है, उसे 62 से बढ़ाकर 65 साल किए जाने की संभावना है और इसके लिए शिक्षा मंत्री जी ने 13 मार्च को बैठक भी बुलाई है। वह दोस्तों, 4 धाम यात्रियों के लिए 2 बड़ी खुशखबरियां आई है। नई सुविधा मिलेगी, अब आपका मोबाइल का नेटवर्क नहीं अटकेगा। 4 धामों में वाईफाई जोन बनेंगे। यानी 4 धामों में अभी तक सभी दूर संचार कंपनियों के सिग्नल पूरे नहीं आते थे। किसी की कहीं ज्यादा कनेक्टिविटी होती है तो किसी के सिग्नल बहुत ही कम होते हैं और तीर्थ यात्रियों को परेशान होना पड़ता है। लेकिन इस बार नई सुविधा अपडेट हो रही है। 4 धाम यात्रा में तीर्थ यात्रियों को वाईफाई की सुविधा मिलेगी और यात्री आसानी से 4 धाम यात्रा की लाइव स्ट्रीमिंग जैसी सुविधाओं का लाभ भी उठा पाएंगे। गुजरात में राज्यपाल ने गुजरात सार्वजनिक परीक्षा विधेयक को मंजूरी दे दी है। एग्जाम पेपर लीक करने वालों की अब खैर नहीं, काफी ज्यादा सख्त प्रावधान किए गए हैं। हार्ट अटैक से जुड़ा महत्वपूर्ण अपडेट आ रहा है, 40+ महिलाएं सावधान हो जाइएगा, हार्ट अटैक का सबसे ज्यादा खतरा रहता है। एक नई स्टडी हुई है जिसमें यह सामने आया कि युवा महिलाओं में भी हार्ट अटैक के मामले बढ़े हैं, लेकिन सबसे अधिक खतरा 33 से 54 साल की उम्र की महिलाओं में अधिक देखने को मिला है। हिमाचल कैबिनेट डिसीजन से जुड़ा महत्वपूर्ण अपडेट, हिमाचल में महंगी होगी शराब, प्रति बोतल 10 रुपए मिल्क सेस लगेगा। हिमाचल प्रदेश में 1 अप्रैल 2023 से शराब महंगी हो जाएगी, सेस लगाने का फैसला हुआ है। वह दोस्तों बड़ी खबर है, नाबालिग पत्नी से रेप के मामले में पति सुप्रीम कोर्ट से बरी किया गया। सुप्रीम कोर्ट ने नाबालिग पत्नी से रेप के आरोपी पति को बरी करने का आदेश दिया है। रेप की परिभाषा में यह प्रावधान है कि अगर पत्नी की उम्र 15 साल से ऊपर है तो मैरिटल रेप में पति को अपवाद में रखा गया है, यानी पति के खिलाफ रेप का केस नहीं बन सकता। हीरो ने नई सुपर स्प्लेंडर XTEC लॉन्च कर दिया है। इसमें कई एडवांस फीचर्स और टेक्नोलॉजी के साथ अपडेट किया गया है। ChatGPT ने अपना API लॉन्च कर दिया है, पूरी तरह से अब इंटरनेट यूज का तरीका बदल जाएगा। चैटबॉट पिछले कुछ दिनों से काफी चर्चा में है। मध्य प्रदेश के भोपाल में 2 घंटे में 0.5 इंच बारिश देखने को मिली, सोमवार का ताजा अपडेट है। रतलाम मंदसौर सहित कई जिलों में ओले गिरे, उज्जैन में आकाशीय बिजली से एक व्यक्ति की जान भी चली गई। मध्य प्रदेश में भी पिछले 1-2 दिनों से मौसम में बदलाव सा हुआ है। सोमवार शाम को भोपाल में गरज चमक के साथ तेज बारिश हुई, कई इलाकों में बारिश होने की ओलावृष्टि की खबरें हैं। बिना मौसम बरसात ने धरती पुत्रों पर कहर डाया, फसलों को भी भारी नुकसान हुआ। राजस्थान के हाड़ौती संभाग में भी बेमौसम बरसात ने किसानों को भारी नुकसान किया। वहीं खेल जगत से जुड़ा लास्ट अपडेट, WPL में मुंबई इंडियंस की लगातार 2री जीत हुई है, बेंगलुरु को 9 विकेट से हरा दिया गया। तो दोस्तों आज के मुख्य समाचार अपडेट में फिलहाल बस इतनी खबरें। अगर आपको हमारा यह प्रयास अच्छा लगा है तो प्लीज वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। थैंक यू, टेक केयर, गुड बाय, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।